बाइक बोर घोटाले में बड़े पैमाने पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी। मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और बागपत में मारा छापा। टीम ने बरामद की 178 बाइक, 2600 करोड़ रुपए के घोटाले का मास्टरमाइंड है संजय भाटी। अनलॉक वन में उत्तराखंड के लिए नई गाइडलाइन। प्रदेश में आने वाले वीवीआईपी लोगों को नहीं किया क्वारंटीन, दूसरे राज्यों से आने वाले आम लोगों को करवाना होगा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में आने पर किया जाएगा क्वारंटीन। सीएम योगी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ की पूजा भी की, जिला अस्पताल में भी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी का चुनावी अभियान। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे करेंगे वर्चुअल रैली। कल ओडिशा की रैली में कहा, भारत की सीमा में घुसपैठ बच्चों का खेल नहीं। दिल्ली में उपराज्यपाल ने बदला केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज के फैसले पर रोक लगाई, अब सबको इलाज। गैरसैंण को आखिरकार मिला ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, पहाड़ के विकास में और ज्यादा तेजी आएगी। हरीश रावत का तंज, कोरोना नियंत्रण में फेल हुई सरकार, बटा रही है लोगों का ध्यान। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 के करीब। सोमवार को मिले 412 नए केस। उत्तराखंड में 25 नए कोरोना केस आने के बाद 1,411 हुए पॉजिटिव मामले। 25 जगह नौकरी करने वाली फर्जी टीचर अनामिका पर 2 और FIR दर्ज। बागपत के बड़ौत और रायबरेली में दर्ज हुआ केस। मुरादाबाद में एक महिला ने की दूसरी की हत्या। घरेलू विवाद में दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकानों का खुलासा। बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप जब्त। कुछ दिन पहले सरहद पार से भेजे गए थे हथियार।